अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू और ब्रेड की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद करूं कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये रमज़ान स्पेशल भी है, आप रमज़ान में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। और सिर्फ अक्सर हम जब भी मार्केट से ब्रेड लाते हैं, दो तीन ब्रेड हमारा बच जाता है, तो उसी ब्रेड का इस्तेमाल करके आज हम बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए टाइम ना ज़ाय करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास तीन ब्रेड बचे थे, आपके पास दो तीन जितने भी बचे आप ले लीजिए। उसे हम इस तरीके से बारीक छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लेंगे। उसके बाद में हम जो है इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका जो है ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे पीस लिया, इसका ब्रेड क्रम्स बना लिया, इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक प्लेट में मैंने लिया है दो मीडियम साइज़ के आलू, बॉईल कर लिया है इसे छोटे पीसेस में काट के, ताकि इजीली बॉईल हो जाए कम समय में। तो बस इसे हमें मैश कर लेना है, तो फोक की हेल्प से या मैशर की हेल्प से, जिससे भी आपका मन चाहे आप उससे इसे मैश कर लीजिए। और देखिए, यहाँ पे आलू बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल रही एक छोटी साइज़ का प्याज, बारीक चॉप किया हुआ। और यहाँ पे दो सुर्ख मिर्च मैंने इस्तेमाल करी हूँ। अगर आपके पास सुर्ख मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक टेबल स्पून अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ। अब हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो मैं आधा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गरम मसाले की जगह ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर टेस्ट के लिए। आलू के साथ काली मिर्च बहुत अच्छा इसका टेस्ट जाता है। अब नेक्स्ट हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखा था ना, इसे मिक्स करेंगे, इसे इसके अंदर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं नमक डालना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक इसमें। तो इतनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक बराबर है। तो बस सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये डो बन के तैयार हो गया है। अगर आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं और ब्रेड कम ले रहे हैं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। दोनों की क्वांटिटी आप बराबर लीजिएगा, या फिर अगर आप ब्रेड ज़्यादा ले रहे हैं आलू कम ले रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस इसे हाथों से दबाते हुए शेप दे देना है, जो आपकी मर्ज़ी आप वो शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने ये शेप दिया, इसे साइड में रखते हैं हम। और दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। तो देखिए, चीज़ क्यूब को इस तरीके से मैंने एक क्यूब को दो पीसेस में कट कर लिया है, 1/2 कर लिया है। इसे थोड़ा सा हम आलू का मिक्सचर लेंगे, नीचे रखेंगे, बीच में हम चीज़ डालेंगे और ऊपर से वापस से आलू की कोटिंग करके इसे अच्छे से हम जो है सील पैक करते हुए दबाते हुए अच्छे से हम इसे शेप दे देंगे कोई भी। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप दिया है, आप राउंड जो भी चाहें आप वो शेप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे बना के हमने तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इतने से बैटर में जो है 6 पीसेस बनके तैयार हुए हैं, क्योंकि मैंने चीज़ डाला है बीच में, तो ये मोटे मोटे हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आलू का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा लगा है। अगर आप सिर्फ बिना चीज़ के बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके 10 से 12 जो है नाश्ते बन के तैयार होंगे, 2 मीडियम साइज़ आलू और 3 ब्रेड में। अब देखिए, यहाँ पर हम ऐसे ही इसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो ये तेल में जाके बिखर जाएगा, तो इसके लिए हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, उसमें नमक डाला है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पे मैंने डाला है ऑरेगनो। मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो मैंने ऑरेगनो का इस्तेमाल किया है। आपके पास चिली फ्लेक्स होगा तो आप वो डाल लीजिएगा, ताकि नाश्ते में जो है एक अच्छा सा जो है मतलब कलर आए और बेहतरीन दिखे दिखने में, इसलिए हमने इसमें डाला है ऑरेगनो या फिर चिली फ्लेक्स। तो बस इसे हम अच्छे से डीप करते हुए कोट कर लेंगे और इसे 1/1
तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैस पे मैंने तेल गर्म होने रख दिया है। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तब हम इसे डालेंगे। तो एक बात का ध्यान रखना है, बहुत स्लो आँच पे इसे नहीं पकाना है, मीडियम या हाई फ्लेम पे आप इसे पका सकते हैं। स्लो आँच पे पकाएंगे तो आलू जो है वो तेल में बिखरने के चांसेस है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है उसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसे मैंने टर्न कर लिया। अब दूसरे वाले का भी टर्न कर लेते हैं, इसका भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया। तो इसी तरह से हम सारे ही अपने नाश्ते बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे अब हम एक छन्नी के ऊपर रखते हैं ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और लाजवाब जो है हमारा ये आलू ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप इवनिंग में इसे बना सकते हैं, रमज़ान में आप इसे बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब बारी है, आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत गर्म है फिर भी मैं तोड़ती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो है टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप, अभी भी धुआं इसमें से निकल रहा है। तो बस इसे गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार आप भी बना के ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होगी तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर रेसिपीज़ ला सकूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।